फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक आई शेडो पैलेट का रिव्यू करने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, और वो है ये मॉर्फी द जैकलिन जिन पैलेट। ये इस तरह के व्हाइट कलर के पैकेजिंग में आता है जो कि कार्डबोर्ड का है, और यहाँ पे जैकलिन की फ़ोटो बनी हुई है। एक्सो जैकलिन JH2 इसका शेड है, और सिल्वर कलर से यहाँ पे लिखा हुआ है द जैकलिन हिल पैलेट मॉर्फी। मैं फ्रंट कैमरे से ले रही हूँ इसलिए आपको उल्टा दिख रहा है। तो इसकी सबसे खास बात ये है कि ये एक ड्यूप पैलेट है, और मैंने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी थी इसलिए मैंने इसे लेने का सोचा। तो मुझे ये कैसा लगा मैं आपको बताने वाली हूँ, इसकी स्वेचेस देने वाली हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि ये पैलेट कैसा है। तो ये जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि ये एक ड्यूप पैलेट है, और मुझे ये फुल्ली बबल रैप से लगा हुआ मिला था, फुल्ली बबल रैप किया हुआ था जिससे कि प्रोडक्ट डैमेज ना हो, और ये सही तरीके से मेरे पास पहुंच गया। और अब हम इसे ओपन करते हैं। तो ये इस तरीके के बबल रैप से रैप किया हुआ है, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है मॉर्फी द जैकलिन हिल पैलेट सिल्वर कलर से, सेम जैसे कि ऊपर कार्डबोर्ड पे लिखा हुआ था। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है मॉर्फिन एक्स जैकलिन हिल, और ये बिल्कुल मिनी लैपटॉप या डायरी की तरह है। और इस जगह पे आप देख सकते हैं कि मैग्नेट लगा हुआ है जो कि इसे लॉक और ओपन कर होता है, और यहाँ पे एक प्लास्टिक सीट भी दी हुई है आप देख सकते हैं, जिससे कि हमारा ये आई शेडो मैसी ना हो। और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस पैलेट इज डेडिकेटेड टू ऑल माई लविंग सब्सक्राइबर्स। और ये इतने सारे हमें कलर्स मिल जाते हैं, 35 कलर्स हैं इसमें। बस ये एक ड्यूप पैलेट है, और इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक दो कलर जो है सेम ही है बिल्कुल, बस हल्का फल्का सा अंतर है, जैसे कि ये है, ये है, और ये, इन सब में भी आप देख सकते हो बहुत ही हल्का हल्का कलर ही डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कलर्स में। लेकिन ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, और ख़ास करके इसमें आपको ग्लिटर शेड भी मिल जाता है और मैट शेड भी आपको इसमें मिल जाएगा। और इसका जो लॉक है ये बहुत ही इजीली खुल जाता है और बंद हो जाता है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। और इसका पिगमेंटेशन कैसा है वो भी मैं आपको स्वेचेस के ज़रिए दिखा देती हूँ। तो पहले मैं ये ग्लिटर शेड लेती हूँ, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड भी नहीं है, बहुत कम पिगमेंटेड भी नहीं है, जैसा होना चाहिए एक्चुअल में वैसा है, आप देख सकते हैं। ये ग्लिटरी शेड का था, और अब मैं ले रही हूँ मैट वाला। तो अब आप मैट के भी स्वेचेस देख ही लीजिए, ये सही पिगमेंटेशन देता है। अगर आप इसे लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसकी प्राइस जो मैंने ली थी ये आपको 300 to 500 के आसपास आपको ये मिल जाती है, क्योंकि ये एक ड्यूप पैलेट है। आपको ओरिजिनल पैलेट तो इतने सस्ते में मिल नहीं सकता, क्योंकि जैकलिन हिल जो पैलेट है वो काफ़ी महंगा है। तो 300 से 500 के बीच में आपको ये पैलेट आसानी से मिल सकता है। मैंने इसे अमेजोन से मंगाया था, और ये पैलेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप ये नहीं सोचिएगा कि ये ड्यूप पैलेट है और मैं इसे प्रमोट कर रही हूँ, नहीं, पर ये जैसा है, जैसा मैंने सबसे तारीफ सुना था इसका, बिल्कुल ये वैसा है। और इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप एक ड्यूप पैलेट यूज़ कर रहे हो। और ये बहुत ज़्यादा सेफ है, मैंने अपने स्किन पर भी ट्राई किया, मैं इसे लगा चुकी हूँ, तो मुझे कहीं से भी कोई भी हार्मफुल केमिकल्स या और कुछ मुझे नहीं दिखा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो कि मैं आपको बता सकूं कि क्या मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है। बस ये सिंपल सा लिखा हुआ है द जैकलिन हिल पैलेट, और यहाँ पे लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ खास लिखा हुआ नहीं है इंग्रेडिएंट या फिर कितने पैसे लगेंगे, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। आफ्टर ऑल अगर आपको 300 से 500 के बीच में अगर आपको इतना बड़ा पैलेट मिल जाता है, 35 कलर्स मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं, जिससे कि आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई तरह का हार्म नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने इसे खुद यूज़ किया है। मैंने आपको इसके स्वेचेस भी दिखा दिए, इसकी पिगमेंटेशंस भी बिल्कुल सही है,
इसे आप ब्राइडल लुक में लुक अगर क्रिएट कर रहे हो तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो, नॉर्मली पार्टी लुक कर रहे हो तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसे आप अगर बिगनर हो, अगर आप कुछ अच्छा सा लुक क्रिएट करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप इसे ले सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।